हेलो, मैं हूँ रिद्धमा और सबसे पहले मैं आपको आपके नए ग्लेन फूड प्रोसेसर खरीदने पर बधाई देती हूँ। यकीन मानिए, इस फूड प्रोसेसर के साथ आप किचन में एक बेहतरीन समय बिताने वाले हैं। ग्लेन फूड प्रोसेसर खाना बनाने से पहले के 16 से भी ज्यादा काम पलक झपकते करता है और आपके समय और मेहनत की बचत करता है, जैसे चिपिंग, चॉपिंग, क्रम्बिंग, क्रशिंग से लेकर मिंसिंग, मैशिंग, जूलिनिंग और नीडिंग तक। और यही नहीं, ग्राइंडिंग, जूसिंग, ब्लेंडिंग, प्यूरिंग, श्रेडिंग, स्लाइसिंग, विस्किंग और बहुत कुछ। तो आइए जानते हैं अपने ग्लेन फूड प्रोसेसर को थोड़ा और करीब से। यहाँ मेरे पास ग्लेन फूड प्रोसेसर के दो मॉडल हैं, GL4051 और GL4051DX। और हाँ, GL4051DX LX वर्जन में भी उपलब्ध है। अगर आपने GL4051DX खरीदा है तो इसके साथ आते हैं स्लाइसिंग डिस्क, श्रेडिंग डिस्क, चिपिंग डिस्क, प्लास्टिक ब्लेड, चॉपिंग ब्लेड, विस्कर डिस्क, लिक्विडाइजर जार, ग्राइंडर जार, सिट्रस जूसर और सेंट्रीफ्यूगल जूसर। और अगर आपने GL4051 मॉडल लिया है तो इन सब अटैचमेंट्स के अलावा इसके साथ है एक कोकोनट श्रेडिंग डिस्क और एक चटनी जार अलग से। तो आप देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ग्लेन फूड प्रोसेसर में लगा हुआ है 600 वॉट का दमदार ग्लेन मोटर, जो 1500 तक के कम RPM यानी धीमी गति में चल सकता है। धीमी गति होने का मतलब है प्रोसेस करते समय आपके फूड आइटम्स वेस्ट नहीं बनते, जिससे उनका सही स्वाद बना रहता है। ग्लेन फूड प्रोसेसर को आप काउंटर पे सीधा रखें। ये है प्रोसेसर बोल जिसमें आप फूड प्रोसेसिंग करते हैं। इसका ठीक ढंग से फिट होना बहुत जरूरी है। इस पावर ड्राइव शाफ्ट पर प्रोसेसर बोल को फिट करें और उल्टी दिशा में घुमाकर लॉक कर दें। बोल कवर के ऊपर लगे इन लग्स को बोल के साथ लॉक करना न भूलें। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि ग्राइंडर साइड पर सेफ्टी कवर लगा हो, नहीं तो आपका फूड प्रोसेसर शुरू ही नहीं होगा। बोल के ऊपर लगा ये फीडर ट्यूब आपके काम को और आसान बना देता है। इसमें आप खाने का सामान डालते जाइए और तेज गति में कुछ भी गिरने का कोई डर नहीं। GL4051 में दो फीडर ट्यूब हैं, जिनमें से एक का मुंह दूसरे से थोड़ा ज्यादा चौड़ा है और GL4051DX मॉडल में सिर्फ एक फीडर ट्यूब है। आइए अब इन चमत्कारी ब्लेड्स पर एक नजर डालते हैं। ये है चॉपिंग ब्लेड, किसी भी फूड प्रोसेसर का सबसे मेहनती ब्लेड। प्योर स्टेनलेस स्टील से बने इस ब्लेड से आप बखूबी पालक, मेथी, सरसों का साग चॉप कर सकते हैं, पराठे के लिए गोभी या मूली, और तड़के, भरते और ग्रेवी के लिए प्याज भी चॉप कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये ब्लेड कबाब और कोफ्ते के लिए मीट चॉप करने, टमाटर की प्यूरी बनाने, उबले आलू मैश करने और आइस क्रश करने जैसे तमाम काम आसानी से कर सकता है। ग्लेन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना ये प्लास्टिक ब्लेड है। ये ब्लेड आटा गूंदने के काम आता है। जब भी आपको आटा गूंदना हो तो जितना आटा हो उसका आधा पानी मिलाएं। और ये देखिए, पल भर में गर्मा गर्म रोटियों के लिए गूंदा आटा तैयार। इस ब्लेड से आप मैदा और बेसन भी गूंद सकते हैं, नारियल जैसी सख्त चीज को ग्रेट करने के लिए ये है खास कोकोनट श्रेडर डिस्क, जो सिर्फ GL4051 मॉडल के साथ आता है। नारियल के टुकड़े आप फीडर ट्यूब में डालते जाइए और मन चाहे मोटाई का ग्रेटेड नारियल पाइए। अब बारी है स्लाइसिंग ब्लेड की। इस सुपीरियर क्वालिटी ब्लेड से आप मूली, गाजर, खीरे, शिमला मिर्च बिना किसी मेहनत के काट सकते हैं।
सैलड्स बनाने के लिए ये परफेक्ट ब्लेड है। और स्लाइसिंग डिस्क की दूसरी तरफ है श्रेडिंग डिस्क। इससे आप गाजर के हलवे के लिए गाजर, रायते के लिए खीरा और सैलड के लिए मूली आदि बड़े आराम से श्रेड कर सकते हैं। ये ब्लेड बर्गर और सैलड के लिए पत्ता गोभी भी बहुत आराम से जुलियन कर सकता है। अगर आप फ्रेंच फ्राइज के शौकीन हैं, तो ग्लेन फूड प्रोसेसर का ये चिपिंग डिस्क आपके इस शौक को पूरा करेगा। इससे आप परफेक्ट शेप में फिंगर चिप्स काट सकते हैं। ये है ग्लेन फूड प्रोसेसर का जादुई विस्कर डिस्क। अब आप घर बैठे मिनटों में ताजा मक्खन बनाइए और अंडे फेटिए। फेटे हुए एग वाइट से आप सूफले, मूज, क्रीम, आइसिंग आदि जैसी चीजें आराम से बना सकते हैं। ये था ब्लेड्स का सफर। अब देखते हैं इन जार से आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला जार है लिक्विडाइजर जार। लस्सी, मिल्क शेक्स, मॉकटेल्स और कोल्ड कॉफी जैसी चीजें ब्लेंड करने के लिए ये जार बिल्कुल परफेक्ट है। ये पॉलीकार्बोनेट जार पारदर्शी है, जिससे आप देख सकते हैं कि कितना ब्लेंड करना है। पर इतना ध्यान रखें कि आप इस जार को दो तिहाई मात्रा से ज्यादा ना भरें। दूसरा जार है ग्राइंडर जार। ये जार बड़े काम की चीज है, क्योंकि इसी जार में आप मिनटों में बनाएंगे स्पेशल मसाले। इसमें आप सूखे और गीले मसाले दोनों ही बना सकते हैं। मजेदार चटनियां, अदरक लहसुन का पेस्ट, अनियन पेस्ट के अलावा आप दाल, चावल जैसी चीजों का भी पेस्ट बना सकते हैं। अब बारी है चटनी जार की, जो आपको सिर्फ GL4051 मॉडल के साथ अलग से मिलता है। अब आप धनिया, टमाटर, पुदीना और इमली आदि की चटपटी चटनियां बनाकर अपने खाने में एक नया स्वाद भर सकते हैं। जब जूस पीना हो तो सिर्फ फ्रेश जूस पिएं, और घर में बने जूस की तो बात ही क्या। ये है सेंट्रीफ्यूगल जूसर, जिसमें आप किसी भी फल या सब्जी का जूस निकाल सकते हैं, और वो भी आखिरी बूंद तक। मौसमी, संतरे, माल्टा और कीनो जैसे फलों के लिए आपके पास है सिट्रस जूसर, जो खास करके रेशे वाले फलों के लिए बनाया गया है। ये फलों के बीज अलग कर फ्रेश जूस तैयार करता है। जितना आसान है इस फूड प्रोसेसर को यूज करना, उससे भी आसान है इसे धोना और साफ करना। तो ये था ग्लेन फूड प्रोसेसर का करिश्मा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना आसान हो गया है आपके लिए किचन में काम, ऊपर से समय और मेहनत की बचत। ग्लेन परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अब हम आशा करते हैं कि किचन में बिताया आपका हर पल आरामदायक हो और आप कुकिंग का भरपूर आनंद ले सकें। हैप्पी कुकिंग।